चीन, जापान, अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इसमें चीन की स्थिति काफी गंभीर है। भारत की SARS-CoV-2 वायरस की जांच में सामने आया है कि चीन समेत कई देशों में COVID-19 के बढ़ते संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 जिम्मेदार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने भी अब तक इस वेरिएंट के 4 मामले दर्ज किए हैं। इसमें 3 गुजरात और 1 उड़ीसा से हैं। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि उपलब्ध टीकों के प्रभाव का आकलन करने के लिए नमूनों का अध्ययन किया जा रहा है। एक सूत्र ने कहा है कि वैज्ञानिक इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि क्या वर्तमान में उपलब्ध टीके संक्रमण या नए उप वेरिएंट के कारण होने वाले गंभीर बीमारी को रोकने में प्रभावी हैं। सूत्रों ने कहा है कि गुजरात से 3 मामले सामने आए हैं और उड़ीसा से ऐसे 1 मामले की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा है कि 4 मरीजों में हल्के लक्षण थे। जुलाई में आया था पहला केस। पहला मामला जुलाई में रिपोर्ट किया गया था, जहां अहमदाबाद में एक 60 वर्षीय व्यक्ति को कोविड के लिए पॉजिटिव पाया गया था और उनके नमूनों में सब वेरिएंट BF7 दिखा था। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें खांसी और हल्का बुखार था। अहमदाबाद में दूसरा मामला 16 इलाके के 57 वर्षीय व्यक्ति का था, हल्के बुखार के साथ सूखी खांसी। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने कहा है कि ठीक होने के बाद ये शख्स फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है। उन्होंने कहा कि मामले में करीबी संपर्कों ने कोई लक्षण विकसित नहीं किया है। उस व्यक्तियों को हल्के बुखार के साथ सूखी खांसी भी थी। वडोदरा में अमेरिका से शहर आई 61 वर्षीय महिला के नमूने से सब वेरिएंट पाया गया था। वो 11 सितंबर को शहर आई थी और 18 सितंबर को उसका टेस्ट पॉजिटिव आया था। चूंकि उसमें कोविड से जुड़े लक्षण दिखे थे, इसलिए उसे टेस्ट कराने की सलाह दी गई थी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।